नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। मैं हूं विशाल रंजन। आज हम आपको पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड से यासपुर घाट का जो पीपा पुल है उसका कार्य शुभारंभ हुआ है। इधर से नागरिक भी आ रहे हैं, यहाँ पे दिखाना आपको चाहेंगे कि लेबर भी काम कर रहे हैं और पैकिंग का बालू पैकिंग करके काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो नागरिक है, दियारा क्षेत्र के चार पंचायत का जो नागरिक है, और इस पीपा पुल को जुड़ जाने से दो तीन जिला के लोग का आवागमन बढ़ जाता है। जैसे कि वैशाली जिला के लोग आ जाते हैं, समस्तीपुर जिला के लोग इस रूट से निकल जाते हैं, उन सभी लोगों को भी काफ़ी सुविधा इस पुल को नहीं बनने से होता है। तो आज जानेंगे कि ये पीपा पुल कब तक निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के कुछ नागरिक से भी जानेंगे कि क्या अभी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है और कब तक ये पुल बन जाएगा। एक जैसे कि अभी एक नागरिक है, क्या नाम है आपका? नागदेव। नागदेव जी, ये पीपा पुल अभी तक नहीं जुड़ा है? 4 बजे तक के ओके दिया जाएगा। ओके दे दिया जाए? हाँ, जो कि 50 गो लेबर लगा हुआ है। हाँ। शाम अभी 4 बजे तक के ओके देकर हम अच्छी कर ये इसका जो पुल निगम के लोग हैं वो आए हैं कि नहीं? सब आए हैं। दिन रात काम लगाए। कुछ नागरिक है, नागरिक से भी जानेंगे कि सर ये पीपा पुल नहीं रहने से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज ये पीपा पुल की जुड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, क्या मन में आपका विचार आज कैसा महसूस? रात दिन खट रहा है लेबर। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका 4 बजे तक खुशी का बात है। हाँ, आज तो खुशी का बात है कि 4 से 5 बजे तक पुल चालू रहेगा। काफी खुशी महसूस? खुशी। किस पंचायत के नागरिक? हम लोग चिरंगा पंचायत। तो यहाँ के नागरिक भी बता रहे हैं, अब जो पुल निगम के अधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि कहाँ हैं, क्या उनको अभी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ से मिल देखते हैं। नागरिक और भी नागरिक आप देख सकते हैं कि पीछे ग्यासपुर पीपा पुल घाट का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और कई वर्कर्स हैं जो लगे हैं काम में, वही नागरिक भी यहाँ है। नागरिक से जानेंगे कि आज इनके क्षेत्र में पीपा पुल का जुड़ाव हो रहा है, आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये पीपा पुल? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज पीपा पुल का स्टार्टिंग है, हो जाएगा। हमारे सब जनता जो है, दियरवासी सब बहुत खुश हुए। इस पुल से कहाँ कहाँ के लोग का आवागमन रहता है? 4 पंचायत इस पुल से जुड़े हुए हैं। 4 पंचायत के अलावा रूपस महाजी, चिरैया, हरदासपुर पंचायत, 4 पंचायत तो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। और भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट का भी एक पंचायत है बीरपुर, आपको शिवनगर, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। मतलब इस रूट से मतलब कौन कौन जिले के लोग जाते आते हैं? पटना, वैशाली, समस्तीपुर भी हैं और वैशाली है, पटना डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग इस टीम से डेली आवागमन। इधर देखेंगे कि इधर बोट से भी जाएंगे, बोट को थोड़ा दिखाएंगे, बोट से भी आज भी लोग जा रहे हैं कि लेकिन हर क्षमता से, जैसा कि सरकार का एक जितने भी नाविक हैं उनको एक आदेश है कि भार क्षमता के अंदर ही पैसेंजर को लेके जाना है, उनको पार उतारना, तो उसके ख्याल से भी बोट में सही है। अब आगे के लिए यहाँ के कुछ पुल निगम के जो पदाधिकारी हैं या उसके कर्मचारी हैं उनसे भी जानेंगे, पुल निगम के भी कर्मचारी हैं उनसे जानेंगे कि अभी पीपा पुल के कार्य कब तक ये संपन्न कर लेंगे, कब तक सुचारू ढंग से यहाँ पे आवागमन चालू हो जाएगा। जो कि इस रूट से दिखाना चाहेंगे कि जब ये पीपा पुल बन जाएंगे
तो यहाँ से समस्तीपुर जिला, वैशाली जिला, पटना जिला, मतलब 3 जिला के लोग इधर से आवागमन करेंगे। और ये पुल के कर्मचारी है, कब तक ये इसका निर्माण हो जाएगा? 4 बजे तक पूरा ओके हो जाएगा। 4 बजे तक इससे पूरा? हाँ, 4 बजे के बाद 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होगा, आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगा। आज मंजिल सारा खुशी का माहौल बना हुआ है, सब लोग यहाँ देख रहे हैं, सब मंजिल खुश हैं। आज 4 बजे इसी निगम लिमिटेड में आप क्या किस पद पे कार्यरत? जी, हम तो अभी मंजिल साइड इंचार्ज के रूप में हैं। बोल कर क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव है।